प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपका प्रिय ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज बुधवार का दिन है, मैं आज आपको बुध सूर्य ग्रह, ये दोनों आपस में मित्र हैं, बुध और सूर्य ग्रह कुंडली के किन किन भावों में आपको भाग्यशाली बनाता है, भाग्यवान बनाता है, विद्वान बनाता है। सोचने जिसकी कुंडली में लग्न में सूर्य बुध बुध सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं और पूर्ण योग्य विचार इनका होता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में बुध सूर्य की युक्ति हो, ये बचपन से ही सफल रहते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, वैभव सुख इनको पूर्ण प्राप्त होता है। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में बुध सूर्य की युक्ति को, ये इच्छानुसार शिक्षा का फल प्राप्त करते हैं, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, ऐसे लोग IAS IPS न्यायाधीश बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं और अपने विद्या के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में बुध सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति प्राप्त करते हैं, इनको शासन से भी पद मिलता है, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में बुध और सूर्य की युक्ति हो, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति किसी भी शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी चरित्र इनका खराब नहीं होता है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, इनके पास जो भी सुख धन दौलत रहता है, ये स्वयं का निर्माण किया हुआ, स्वयं का बनाया हुआ है। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में बुध सूर्य की युक्ति है, ये प्रकांड विद्वान होते हैं, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, समाज में इनको किसी बात की कमी नहीं होती है, इनका पारिवारिक जीवन सुखदायी रहता है, इनके संतान योग्य होते हैं और जीवन में ये सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं। आज बहुत छोटा सा ये प्रोग्राम हमने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आपका तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर लीजिएगा। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, हमारे कुछ नियम हैं, उस नियम को जान जाइए, वो नियम को का पालन करेंगे, मैं विवेचन कर लूँगा। आप लोग के सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए अब आप समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।